दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 10 जुलाई 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय है, ऐसी मेरी कामना है। 10 जुलाई 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशा शुक्ल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। 10 जुलाई 2024 को बुधवार का दिन है। बुधवार के 24 घंटे में 24 घंटों का समय वितरण किस प्रकार से है, ये आगे मैं चार्ट पे देने जा रहा हूँ। दोस्तों 24 घंटे का जो वितरण है उसको या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और पूरे दिन का शुभ काम और नया काम इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने कार्य को सफल बनावें और अपने दिन को सफल बनाएं। दोस्तों मेरा चार्ट ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है, महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं, इस समय कोई काम नहीं करना चाहिए। राहु काल अगर महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में भी पड़ता है तो इस समय भी कोई काम शुरू न करें, इसके पहले अगर शुरू किया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इस बीच में न करें। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल है। दिन के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल है, इस समय कोई काम न करें। शून्य काल सवेरे 6 बजे से स्टार्ट होकर 6:48 तक है, फिर 12:24 दोपहर से स्टार्ट होकर 1:12 तक है, फिर 5:12 शाम से स्टार्ट होकर 6 बजे तक है और फिर 2:48 देर रात 12 बजे के बाद में 2:48 से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। दोस्तों महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, इसके बाद में अमृत काल, इसके बाद में बक्र काल। कहा तो यह जाता है कि बक्र काल में काम शुरू होने पे काम समाप्त तो हो जाता है लेकिन किसी तरीके से, किसी तरह से गिरते गिरते होता है। राहु काल में, वक्र काल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जो भी काम आपने शुरू किया है तो उसमें बहुत ही अड़चनें आती हैं, बहुत ही दिक्कतें आती हैं, इसके बाद में जाके काम सफल हो पाता है। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर कोई मजबूरी है, किसी वजह से आपको वक्र काल में काम करना ही पड़ता है, तो आप युवा और प्रौढ़ का समय चुनें, हो सकता है कि इसमें थोड़ी राहत मिल जाए। तो दोस्तों कोशिश करो कि बक्र काल में भी आपको काम न करना पड़े तो बेहतर है। तो राहु काल, शून्य काल, निकृष्ट काल, बक्र काल टेढ़ा काल है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पेशेंस की ज़रूरत है। ये मान के चलें कि काम शुरू किया है तो समाप्त हो जाएगा लेकिन बहुत ही अड़चनों और दिक्कतों के बाद में। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, 6:48 सवेरे से शुरू होकर 8:24 तक, इसके बाद में अमृत काल 8:24 से शुरू होकर 10 बजे तक सवेरे तक, फिर 2:48 दोपहर बाद से शुरू होकर 5:12 तक, फिर 7:36 शाम को शुरू होकर 9:12 रात तक, फिर 12:24 देर रात दोपहर सॉरी दो रात 12 बजे के बाद 12:24 से शुरू होकर 2:48 तक। ये रहा 24 घंटा का चार्ट। इस चार्ट का उपयोग करें, उपयोग करने के लिए कैसे कैसे उपयोग करता हुआ आगे मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसको डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और अपने दिन का सारा शुभ कार्य, सारा नया कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप करोगे कैसे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने में, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करने में, कोई कथा या हवन करने जा रहे हैं तो उसका समय निर्धारित करने में, नामकरण करने जा रहे हैं तो समय उसका मुहूर्त निर्धारित करने में, वाहन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, फ्लैट खरीदने या जमीन बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर घर में बैठ के बात करना है इन दोनों विषय पे तो घर में बैठ के बात करने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। तो दोस्तों इस तरीके से इस चार्ट का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्रत आपने रखा हुआ तो सुबह व्रत को तोड़ने का समय, तो इस चार्ट का उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं और भी R&D करके आप इस चार्ट का उपयोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। दोस्तों आगे बात करते हैं दिशा शूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशा शूल है। तिल और धनिया खाने के बाद में घर से निकले, दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में आप जाके अगर वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं है। अगर आप नहीं आ पाते, किसी वजह से रुकना पड़ता तो तिल और धनिया खाने के बाद ही निकले, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करके ही घर से निकले और अपने यात्रा को सफल बनावें और दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो।
होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बना सकें, अपने नए कार्य और शुभ कार्य को अच्छे से पूर्ण कर सकें। थैंक यू वेरी मच।